क्या आप ऐसे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो आपको अधिक फिट और स्वस्थ बना देगा? यह 7 दिवसीय भोजन योजना वजन घटाने का यात्रा शुरू करने और पूरे पेट भरे होने के भावना बनाए रखने में मदद करेगी। यह योजना उन खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है जो फाइबर में उच्च, कार्बोहाइड्रेट में कम और पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कम अनावश्यक कैलोरी का उपयोग करते हुए आपको पूर्ण और ऊर्जावान महसूस करने में मदद करते हैं। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला दिन अपने दिन की शुरुआत भरपूर फलों के साथ करें। अपनी सुबह की शुरुआत सुबह 8 बजे एक मध्यम आकार के सेब के साथ करें। उनके बाद सुबह 10:30 बजे एक कटोरा कटा हुआ तरबूजा खाएं। दोपहर के भोजन के दोपहर 12:30 बजे कटोरी ताज़ा तरबूजा का आनंद लें। जैसे जैसे दिन चढ़ता है शाम 4 बजे एक बड़ा मौसमी या संतरा का नाश्ता करें। शाम 12:30 बजे एक कप खरबूजे के साथ अनार का सलाद खाएं। 8:30 बजे आधा कप तरबूजे के साथ अपना दिन का समाप्ति करें। दूसरे दिन सब्जियों का अच्छाओं का आनंद लेने के बारे में है। अपनी सुबह की शुरुआत सुबह 8 बजे एक कप उबले आलू के साथ करें। उसके बाद सुबह 10:30 बजे आधा कटोरी खीरे का सेवन करें। दोपहर के भोजन के लिए दोपहर 12 बजे सलाद, खीरा, पालक, मिर्च, शिमला मिर्च आदि लें। शाम 4 बजे नाश्ते नींबू रस साथ कटी हुई गाजर खाएं और 6:30 बजे एक कटोरी उबली हुई ब्रोकली और हरी मटर खाएं। रात 8:30 बजे खीरे के साथ अपने दिन की समाप्ति करें। तीसरे दिन फलों और सब्जियों के बीच संतुलन बनाएं। अपने दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे एक कटोरी खरबूजे के साथ करें। उसके बाद सुबह 10:30 बजे एक कप अनायास नाशपाती का सेवन करें। दोपहर के भोजन के लिए दोपहर 12:30 बजे 12:30 बजे सलाद और ककड़ी शिमला मिर्च रंगीन मिश्रण का आनंद लें। शाम 4 बजे नींबू के रस के साथ कटी हुई गाजर का नाश्ता करें और 6:30 बजे एक कटोरी उबली हुई ब्रोकली और टमाटर का आनंद लें। रात 8:30 बजे खीरे के साथ दिन की समाप्ति। चौथे दिन केले और दूध की शक्ति की पता लगाएं। अपनी सुबह की शुरुआत सुबह 8 बजे 2 केले के साथ करें। इसके बाद सुबह 10:30 बजे एक केला खाएं। दोपहर के भोजन के लिए दोपहर 12:30 बजे 2 केला, कुछ कोको पाउडर, 1 गिलास दूध में बना स्वादिष्ट मिल्क शेक लें। शाम 4 बजे नाश्ते में 2 केले खाएं। इसके बाद 6:30 बजे एक और केला और 1 गिलास दूध लें। रात में 8:30 बजे 1 गिलास दूध के साथ अपने दिन की समाप्ति करें। धन्यवाद। पांचवें दिन भुने हुए चावल के साथ शुरुआत करें। अपनी सुबह की शुरुआत सुबह 8 बजे 3 टमाटरों के साथ करें। इसके बाद सुबह 10:30 बजे मिश्रित सब्जियों के साथ आधा कप ब्राउन चावल भून कर खाएँ। दोपहर के भोजन के लिए 12:30 बजे 2 टमाटरों के साथ आनंद लें। शाम 4 बजे एक कटोरी ब्राउन चावल के साथ एक नाश्ता करें और 6:30 बजे आधा कप भुनी हुई सब्जियों के साथ टमाटर स्वाद लें। 8:30 बजे नमक और काली मिर्च से भरपूर जो उसका आनंद लें और दिन की समाप्ति करें। यह दिन भी सहकारी उत्सव जारी है। अपने दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे 3 टमाटरों के साथ करें। इसके बाद सुबह 10:30 बजे मिश्रित सब्जियों के साथ 7 कप ब्राउन चावल भूनकर खाएं। दोपहर के भोजन के दोपहर 12:30 बजे टमाटरों का आनंद लें। शाम 4 बजे कटोरी ब्राउन चावल पर नाश्ता करें और 6:30 बजे आधा कप भुनी हुई सब्जियों के साथ टमाटर का स्वाद लें। 6:30 बजे नमक और काली मिर्च से भरपूर स्वादिष्ट टमाटर के साथ अपना दिन की समाप्त करें। अपने दिन भर विपरीत 500 ग्राम चिकन के साथ अपनी सब्जियों की अदला बदली भी कर सकते हैं। 7वें दिन अपने वजन घटाने की यात्रा के अंतिम दिन सप्ताह के अंत में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे 1 गिलास सेब के जूस के साथ करें। दोपहर के भोजन के लिए दोपहर 12:30 बजे आधा कप भुनी हुई सब्जियां और आधा कप ब्राउन चावल खाएं। शाम 4 बजे मिश्रित जामुन के साथ 1 कप तरबूजा का नाश्ता करें। शाम 6:30 बजे 1 कप सूप का आनंद लें और 8:30 बजे ब्राउन चावल और भुनी हुई सब्जियों के साथ वजन कम करने के प्रयास करते समय आहार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कैलोरी सेवन से प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यायाम के माध्यम से काफ़ी अधिक कैलोरी जलने की तुलना में आहार में संशोधन के माध्यम से कम कैलोरी खान आम और पर आसान होता है। 20/80 नियम जो बताता है कि वजन कम करना 80% आहार और 20% व्यायाम की परिणाम है। यह सहायक निर्देशक है, लेकिन विशिष्ट अनुपात व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है।